नई सरकार है, नया साल है, नए साल में आरपीएससी द्वारा पहली परीक्षा आयोजित करवाई गई है। आरपीएससी ने जो आयोजित परीक्षा है, पीटीआई बात कर लें, आचार्य सहायक की बात कर लें, लाइब्रेरियन की बात कर लें, तो ये जो हम एग्ज़ाम है वो आज आयोजित की गई है यहाँ पर। और देखिए हम खड़े हैं अभी शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर में, जहाँ पर सेंटर्स आया हैं, अभ्यर्थी जो हैं लगातार एग्ज़ाम दे के बाहर निकलने वाले हैं। भाई सामने देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पे निकलने वाले हैं, बैल बच चुकी है और किस प्रकार का पेपर रहा है, किस प्रकार की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा, कैसे क्या उनका पेपर रहा है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी हमारे पास, क्योंकि आरपीएससी हमेशा विवादों में रहा है। और इस बार जो तीन एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम हुई हैं, वो तीनों का पेपर समान आना है और उसमें कहीं ना कहीं परीक्षार्थी है, सुबह जल्दी एक घंटे पहले, मानी 12 बजे से एग्ज़ाम थी तो 11 बजे उनको बुलाया गया था, हिदायत दी गई थी, फिर भी कोई कुछ अभ्यर्थी जो वो बाहर रह गए थे। देखिए अंतिम निकल रहे हैं, अपना अपना सामान यहाँ पे जमा करवा दिया गया था, परीक्षार्थी जो हैं पेपर दे के निकल रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं, सर एक बार कहाँ से कैसे क्या पेपर रहा? पेपर अच्छा रहा सर, सामान पेपर रहा है, कॉमन पेपर रहा, कॉमन पेपर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, एकदम लगता है आपको कि आप निकल जाएंगे? लेवल के हिसाब से अच्छा है पेपर, ठीक है। साफ साफ कहें कि पेपर जो है अच्छा रहा है, हम आपसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का पेपर रहा? पेपर अच्छा रहा, किस प्रकार देखते हैं, तीनों पेपर समान हैं? हाँ, थोड़ा एवरेज है और करंट के क्वेश्चन भी अच्छे थे। पेपर अच्छा बता रहे हैं, मैडम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार देखते हैं, तीनों पेपर समान आए हैं, क्या अच्छा है पेपर, क्या लगता है आपको? अकॉर्डिंग था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था सब, और अच्छा था पेपर, अंदर कोई दिक्कत पेपर था नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थे। अभ्यर्थी जो हैं वो निकल रहे हैं बाहर, लगातार जो है अभ्यर्थियों का निकलना शुरू हो गया है, पेपर जो है हो चुका है। और सबसे खास बात ये है यहाँ पे कि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच नेट बंद कर दिया गया था, पहले जो संभाग थे उनमें 7 संभाग में बंद करने की कवायद की जा रही, लेकिन आनंद फार्म में संभागीय वक्त ने पेपर नेट बंद करने की बात कही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, मैडम किस प्रकार से पेपर रहा आपका? पेपर बहुत अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था, पॉलिटिकल साइंस, आर्थिक समीक्षा पिछली बार की मतलब भी 2-3 साल पुरानी पूछी थी, लेकिन अब की बार आर्थिक समीक्षा के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, करंट के, बहुत अच्छा था पेपर, बढ़िया। क्या लगता है आपको निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षार्थी हैं, इनके चेहरों पर कईयों पर उदासी है तो कईयों को खुशी देखने को मिल रही है, साफ कहा जाता था कि पेपर जो है वो बहुत ठीक रहा। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौसम है। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। कैसा रहा पेपर? पेपर सर अच्छा रहा मेरा। तीनों पेपर समान आए हैं, कोई दिक्कत आई सामने? सर पेपर एक ही था पर अच्छा आया पेपर। नहीं, तीन परीक्षाओं का पेपर समान आया है, सही सर मेरा तो सही आया है ना? ठीक है, ये शायद समझ नहीं पा रही सारे सिस्टम, तो ये साफ है कि आरपीएससी द्वारा इस बार जो इंतजाम किए गए थे वो चाक चौबंद थे, नेट बंद कर दिया गया था, कोई ऐसी कोई परेशानी या ऐसी खबरें नहीं आई कि जहाँ पर पेपर लीक की बात कर लें या फिर बात कर लें, क्योंकि पिछले चुनावों में या पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, आरपीएससी इस बार कोई भी चूक नहीं करना होना देना चाहता। ये देखिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार निकल रहे हैं बाहर, मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैडम एक बार आप नाम बता दीजिए। अंबिका। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। परीक्षार्थी हैं वो अच्छे, मतलब कुल मिला के अभी तक जितने भी अभ्यर्थियों से हमने बात की है तो उनके चेहरों पे साफ साफ खुशी जाहिर मिली है, तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है वो बहुत ही इनका शानदार गया है। मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? जी मैं यहीं से आई हूँ, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना जिसके अपोजिट साइड से। कैसा क्या पेपर? पेपर ठीक था। क्या विशेष इस बार देखने को मिला आपको? हाँ इसमें क्वालिटी थी जो राजस्थान की वो अच्छी थी, मुझे तो वो अच्छी लगी पढ़ने। और क्या किस पोस्ट के लिए आई, कौन सी भर्ती परीक्षा? लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, तीनों एग्जाम आज हुई है, पीटीआई की बात कर ले, लाइब्रेरियन की, आचार्य सहायक की, तीनों के पेपर समान हैं, तो कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा वहाँ? नहीं नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा था पेपर तो। ठीक है, महिला भर्ती है, साफ साफ चेहरों पर चमक है और साफ लगता है, उन्होंने कह भी दिया है हमको कि पेपर अच्छा रहा और जो व्यवस्था की गई है पेपरों में क्वेश्चंस की वो इस बार शानदार बता रहे हैं। एक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, सर कहाँ से आए आप? मैं चूरू तारानगर से हूँ। कैसा क्या पेपर रहा आपका? पेपर बढ़िया, शानदार, अच्छे लेवल का पेपर था, पिछले 10 साल से मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरे इतिहास का अब तक ये सबसे अच्छा पेपर था, इतना शानदार लेवल था पेपर का। कौन सी एग्जाम के लिए आप आए थे? मैं कॉलेज लेक्चर वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम और जो तीन एग्ज़ाम हुई हैं आज की, तीनों की एग्ज़ाम, पीटीआई की बात कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ले, लाइब्रेरियन की, तीनों का पेपर समान है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत का नहीं है, बिल्कुल ऐसे लेवल का था, प्रत्येक सब्जेक्ट वाले को, जैसे करंट का लेवल भी इसमें अच्छा दिया हुआ था और जो राजस्थान का जीके था वो भी काफ़ी अच्छा था, जो स्टैटिक्स जीके होता है
वो भी अच्छा था, तो सभी के लिए नॉर्मल ये पेपर था। और आरपीएससी लगातार विवादों में रहा है, इस बार वो कुछ चूक नहीं होना देना चाहता, इसमें क्या विशेष देखने को मिला इस परीक्षा में और पहले की परीक्षा में? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सर कि पेपर का लेवल अच्छा था ये बता सकते हैं, बाकी सिक्योरिटी तो बाद में पता चलेगी क्या रहता है क्या। बिल्कुल, अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि जो पेपर है बहुत शानदार रहा है, क्वेश्चन जीके क्वेश्चन की बात कर लें, हिस्ट्री की बात कर लें, और कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लें तो सारे सब्जेक्ट है, करंट अफेयर उन्होंने दिए हैं पेपर में, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूरे करंट अफेयर के द्वारा लेवल पर पूछे गए हैं। परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं उनके चेहरों पर खुशी साफ साफ देखने को मिल रही है। ये बात अलग है कि कुछ अभ्यर्थियों के चेहरों मुरझाए हुए थे क्योंकि शायद उनका पेपर सही नहीं हुआ, लेकिन जो लगभग लगभग हमारे अभ्यर्थी मिले हैं वो साफ खुश हैं, उन्होंने साफ साफ दावा है कि इस बार पेपर जो हुआ है वो शानदार हुआ है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भदनलाल शर्मा की जो डबल इंजन सरकार है वो बिल्कुल सतर्क है पेपर लीक को लेकर बात कर लें, और जो परीक्षार्थियों या अभ्यर्थियों जो हैं उनके समान या उनके लेवल का ही उन्होंने प्रश्न पत्र तैयार करवाया है। नेट बंद कर दिए गए थे, इससे कहीं ना कहीं लगाम लगी है, तो आज अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि पेपर जो है बहुत शानदार रहा है। तो ऐसे ही अगर रहा तो कहीं ना कहीं प्रजाला सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना काम आगे बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।